सबसे पहले सही भाइयों को जय हिंद। दोस्तों आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल जे एंड पेंस ग्रुप इंदौर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो रेली भर्ती में बीम लगवाते हैं वो किस प्रकार से बीम लगवाते हैं, कैसे बीम लगाना चाहिए और कितने बीम लगाना होता है, और जिन बच्चों को बीम नहीं आ रहा वो कौन से एक्सरसाइज करें, तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जब आप रेली भर्ती देने जाओगे तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि रनिंग ही रनिंग करते, बीम लगाते नहीं है, और बाद में यदि आप एक बीम भी लगाते हो और एक बीम का आपको पता है कि 7 नंबर कट जाते हैं, यदि आपने 9 बीम लगाए तो आपको 33 नंबर मिलेंगे, और यदि आपने GD या ट्रेड से फॉर्म डाला है तो बीम का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि एक बीम लगाना मतलब कम 7 नंबर कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको रनिंग के साथ साथ बीम की प्रैक्टिस करना है। तो आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके बीम नहीं लगते, और कौन से एक्सरसाइज करें, किस प्रकार से अपना बीम का जो है वो इम्प्रूवमेंट करें। तो दोस्तों आप वीडियो बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों जैसे आप रैली भर्ती देने जाओगे, पहले आपकी रनिंग होगी, इसके बाद चेस्ट होगा, हाइट होगी, वेट होगा, इसके बाद आपसे बीम लगवाएंगे, और बीम में जो है आपको 10 लगाओगे तो आपको बराबर 40 नंबर मिलेंगे, और आपको 10 बीम ही लगाना है यदि आपको भर्ती होना है। यदि आप एक बीम भी कम लगाते हो तो आपको 7 नंबर कट जाएंगे, और 7 नंबर यदि आपको कट गए तो सोचो आप कितना पीछे हो जाओगे। दोस्तों आपका सिलेक्शन रुक सकता है एक बीम से, तो आपको बीम के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना है तो आप देखें। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बीम किस प्रकार से लगाना, मैं आपको एक दो बीम लगवा के दिखाता हूँ। जब आप भर्ती देने जाओगे बहुत सारे बच्चों को लटकने में दिक्कत आती है, आपको क्या करना है, जैसे आपको इसे बीम पे कैसे लटकना है, ये गए इस प्रकार से आपको मोमेंट लेना है, ये आपका बीम का मोमेंट रहेगा, आपको बॉडी को झुलाना नहीं है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको जाना है जब ये गए ये एक डाउन, ऐसे आपके पैर फोल्ड नहीं होना चाहिए, पैर ऐसे पीछे नहीं करना, एकदम पैर ये मोमेंट रहेगा बीम लगाते टाइम, ये पूरा इस प्रकार से आपको बीम लगाना पूरी 10 अप डाउन भी बोलेंगे, वहां डाउन अप डाउन या एक डाउन दो डाउन इस प्रकार से बोलेंगे। अब इसके बाद जिन बच्चों से बीम नहीं लग रही, किसी बच्चे की 6 बीम लग रही, किसी की 7 लग रही, किसी की 8 लग रही, तो कैसे अपना बीम में इंप्रूवमेंट करें। तो दोस्तों सबसे पहले नॉर्मल आप डिप्स लगाएं, आप यदि डिप्स लगाते हो 8-9 दिन में आपके बीम के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। डिप्स आपको कैसे लगाना है, पहले नॉर्मल आप इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूँ, आप ये ऐसे नाप ले जाएगा, बराबर हाथ होना चाहिए आपको, यदि हाथ आगे पीछे हो आपको चेस्ट अप डाउन हो सकता है, तो नॉर्मली आपको सामने देखना डिप्स पोजिशन ये रहेगी, ये इस प्रकार से आपको डिप्स लगाना है। आप सेट बाय सेट डिप्स लगा सकते हो, आपका 15 का सेट बना ले, यदि आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 25 का सेट बना ले। जिस दिन आप 100 डिप्स से ज़्यादा लगाने लगे, मतलब 100 डिप्स से ज़्यादा लगाना आपको, तो आपके बीम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद आपको बैग लगाना है, हाथ चूड़े रखना है, सामने देखना है, ये और ये लगा ये। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आपके बीम में इम्प्रूवमेंट आएगा, ये एक्सरसाइज करना है आपको। दूसरी बात, जैसे आपसे 7 बीम लग रही है, 7 बीम लगाई, थोड़ी देर रेस्ट करें, इसके बाद फिर बीम लगाए, भले 2 बीम लगे या 3 बीम लगे, रुक रुक के आपको कम से कम एक टारगेट बनाया कि आज मेरे को 30 बीम लगाना है। आप 30 बीम या तो एक ही काम में लगा दो या फिर 10 काम में लगा, ऐसे धीरे धीरे आप 7 से 8 दिन करोगे तो आपके बीम के अंदर ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आएगा, 100% गारंटी बोल रहा हूँ। आप 10 से 15 दिन ये फॉलो करके देखें, यदि आपको 7 बीम लग रही है 7 बीम लगाओ आके, इसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करो, फिर जितनी बीम लगे इतनी बीम लगाओ, फिर रेस्ट करो, फिर बीम लगाओ, एक टारगेट बनना का हो कि मेरे को इतनी बीम आज लगाना है। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आपके बीम में इंप्रूवमेंट आएगा। दोस्तों रनिंग के साथ साथ बीम भी इंप्रूवमेंट है, आप बीम भी लगाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।